प्रेम की निशानी ताजमहल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आइए आज जानते हैं ऐसे ही एक अनोखी प्रेम कहानी के बारे में। गुजरात के अहमदाबाद में बसी है एक खूबसूरत सा वाव, जिसे आडालजनी वाव के नाम से जानते हैं और इसे रुडाबाइनी वाव के नाम से भी जानते हैं। Hi guys, I'm Simi. Welcome to my YouTube channel. आज मैं आई हूँ गुजरात में स्थित आडालजनी वाव में। मैं पहनी हूँ आज गुजराती कल्चरल ट्रेडिशनल ड्रेस चनिया चोली। ये फैब्रिक कैसे बनी थी इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट में। तब यहाँ के राजा थे राणा बीर सिंह और उनके पत्नी रानी रुडाबाई। गुजरात के ड्राई क्लाइमेट और पानी की कमी के वजह से यहाँ के लोग बारिश के पानी के इंतजार में ही रहते थे। तब आडालज के राजा राणा बीर सिंह ने प्रजाओं के दुख दूर करने के लिए यहाँ पे एक गहरी बावड़ी बनाने का निर्णय लिया। बावड़ी बनने का काम शुरू हो गया था, तभी कुछ ऐसा हुआ था कि सुल्तान महमूद बेगरा ने आडालज पे अटैक कर दिया था और उसी युद्ध में राजा राणा बीर सिंह की मृत्यु हो गई। राजा के मृत्यु के बाद रानी ने सती होने का निर्णय लिया था, पर ऐसे होने से सुल्तान महमूद बेगरा ने रोक लिया था। रानी बहुत खूबसूरत थी और रानी की खूबसूरती को देखकर सुल्तान महमूद बेगरा ने शादी करने का प्रस्ताव रखा। महमूद बेगरा रानी की सुंदरता पर इतना मुग्ध था कि उन्होंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। रानी रुडाबाई ने तो इनके उत्तर में हाँ बोला, पर उन्होंने एक शर्त रखा। उन्होंने बोला कि अगर राजा राणा बीर सिंह द्वारा बनवाया गया अधूरी बाबरी वो पूरा करवाएगा, तभी वो महमूद बेगरा से शादी करेगी। 1499 AD में बाबरी का काम पूरा हुआ और महमूद बेगरा ने रानी को शादी के लिए याद दिलवाया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, तभी रानी ने अपने पति के याद में उसी बाबरी में अपनी जान दे दी। यहाँ के लोग इस बाबरी के पानी को पवित्र मानते हैं और कुछ शुभ काम से पहले ये पानी को यूज करते हैं। राणा बीर सिंह के समय पे इसके आर्किटेक्चर में हिंदू निर्माण शैली जैसे हाथी घोड़ा देव देवियों की प्रतिमूर्तियां देखने को मिलता है। और इसके बाद जब सुल्तान महमूद बेगरा के निर्माण टाइम में इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। जिनसे आर्किटेक्ट्स ने ये वाव बनाया था उनको सुल्तान ने मार डाला था, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि कोई ऐसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट दूसरी बार बनाए। अभी भी उन कारीगरों के कब्र यहाँ देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।